हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एग्रीकल्चर अमित में। मेरा नाम है अमित कुमार। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि इंटर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने देखा था 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और आज हम 25 से लेकर के 50 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 6 देखिए, जीजफुस मेरिटिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों, अंगूर, केला, आंवला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है 26 नंबर, जीजफुस मेरिटिना। ठीक है दोस्तों, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, अंगूर, केला, आंवला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, बेर का यह वैज्ञानिक नाम है। तो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 27, पूनिका गरनाटुम। ठीक है दोस्तों, किसका बोटेनिकल नेम है? तो आपका विकल्प है आंवला, अंगूर, केला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका विकल्प रहेगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका बोटेनिकल नेम अनार का है। तो नंबर 28 क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल किस फसल में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल किस फसल में पाया जाता है? तो आपका विकल्प है अनानास, केला, पपीता और आंवला। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प क्या क्या है? अनानास, केला, पपीता और आंवला। तो इसमें से आपका विकल्प रहेगा दोस्तों आंवला। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका विकल्प है आंवला। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नंबर 29 क्या है दोस्तों, केले में कौन से पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। यहाँ पर है दोस्तों खनिज लवण। तो दोस्तों इसमें से आपका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट सही आंसर है। तो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 30, अमरूद की बागवानी के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प है 6 से कम, 7 से कम, 8 से कम और 9 से कम। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है 9 से कम। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 31, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से देश में उगाए जाने वाले फलों में अमरूद का कौन सा स्थान है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से देश में उगाए जाने वाले फलों में अमरूद का कौन सा स्थान है? तो आपका विकल्प है दोस्तों प्रथम, तृतीय, चौथा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें से विकल्प रहेगा सही वाला दोस्तों नंबर चौथा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से अमरूद का चौथा स्थान है। तो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 32, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका विकल्प है दोस्तों 5 जनवरी, 5 दिसंबर, 5 जून, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प सही रहेगा 5 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 33, देश का पहला जैविक राज्य कौन सा है जहां पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, जो अपना देश है भारत देश, उसका पहला जैविक राज्य कौन सा है जहां पर रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे यूरिया डीएपी का वहां पर प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वहां पर जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आपका विकल्प रहेगा दिल्ली, पंजाब, असम, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें से सही ऑप्शन है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें से सही ऑप्शन है सिक्किम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 34, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप कौन सा है? ठीक है दोस्तों, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप कौन सा है? आपका विकल्प है मेज, वीट, ज्वार और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा वीट। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा वीट।
ठीक है दोस्तों, गेहूं किंग ऑफ सीरियल क्रॉप है। ठीक है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट चलते हैं 35, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नंबर 35 क्या है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहां पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन रहेगा बनारस, कानपुर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नंबर 35 क्या है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहां पर स्थित है। तो आपका विकल्प क्या है दोस्तों, बनारस, कानपुर, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प रहेगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है नंबर 36, कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो आपका विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं 37, बीज वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बीज वर्ष, सीड ईयर कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आपका विकल्प है 1994, 1996, ठीक है दोस्तों, 1993 और 1999। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है 1993। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है 1993। तो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 38, गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है दोस्तों, जो गिर गाय होती है उसका जन्म स्थान कहाँ पर है। आपका विकल्प है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मोंटगोमरी पाकिस्तान, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, मोंटगोमरी पाकिस्तान, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प रहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काठियावाड़ा। काठियावाड़ा जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि गिर गाय का जन्म स्थान है काठियावाड़ा। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 39, गंगा तेरी गाय का दूसरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, गंगा तेरी गाय का दूसरा नाम क्या है। आपका विकल्प है दोस्तों साहिवाल, देवनी, गिर, शाहबादी। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है शाहबादी। ठीक है दोस्तों, आपका सही विकल्प रहेगा शाहबादी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 40, अमरूद के लिए न्यूनतम कितना डिग्री तापक्रम होना चाहिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अमरूद के लिए न्यूनतम कितना डिग्री तापक्रम होना चाहिए। तो आपका विकल्प है दोस्तों 90 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है 15 डिग्री। 15 डिग्री अमरूद का न्यूनतम तापक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 41, आम में किस पोषक तत्व की कमी से पत्तियों का रंग लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है दोस्तों सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपका सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरीन के कारण आम के पत्तियों का रंग लाल हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 42, शहर में पाली जाने वाली भैंस का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, शहर में जो पाली जाने वाली भैंस है तो उसका क्या नाम है। आपका विकल्प है दोस्तों मेहसाना, भदावरी और दोस्तों जफराबादी, जफराबादी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है दोस्तों मेहसाना। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर है मेहसाना। जो मेहसाना भैंस की जाति होती है वो शहरों में ज़्यादातर पाली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 43, 13.8% किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा होता है। ठीक है दोस्तों, 13.8% किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा होता है। तो आपका विकल्प है मेहसाना, शाहबादी, गिर और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपका सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो भदावरी जो भैंस होती है उसमें 13.8% दूध में वसा की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं 44। आम में नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 44। आम में किस पोषक तत्व की कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है? ठीक है दोस्तों, जो आम का पौधा होता है तो कौन सा पोषक तत्व की कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प रहेगा सल्फर, मैग्नीज, नाइट्रोजन और पोटाश। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है कौन सा? तो पोटाश। पोटाश की जब कमी होती है तो आम के पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 45, केरल में आम कितना प्रतिशत उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, केरल में आम कितना प्रतिशत उगाया जाता है? तो आपका विकल्प है दोस्तों 13.6%, 8%, 14% और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन क्या है? केरल में आम कितना प्रतिशत उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों केरल में आम उगाया ही नहीं जाता है, केरल में आम का बागान होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर 1% केरल में आम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 40 चलते हैं। 13.3% क्षेत्रफल में आम कहाँ पर उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 13.3% क्षेत्रफल में आम कहाँ पर उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प रहेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही विकल्प रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में 13.3% क्षेत्रफल में आम उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 47, ब्लैक बंगाल बकरी किस लिए फेमस है? जो बकरी की जाति है दोस्तों ब्लैक बंगाल, वो बकरी किस लिए फेमस है? दूध के लिए फेमस है या बच्चे के लिए फेमस है या मांस के लिए फेमस है या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो दोस्तों वो मांस के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक बंगाल बकरी किस लिए फेमस है? तो मांस के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 48 चलते हैं, सनेन बकरी किस लिए फेमस है? ठीक है दोस्तों, सनेन जो बकरी होती है वो किस लिए फेमस है? मांस के लिए फेमस है, दूध के लिए फेमस है या वजन के लिए फेमस है या इनमें से सभी होता है उसमें? ठीक है दोस्तों, तो वो बकरी क्या होता है? आपका सही विकल्प है दूध के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, जो सनेन बकरी होती है वो दूध के लिए फेमस होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 49, आम का गुणसूत्र कितना होता है? आम में गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों? तो आपका विकल्प है 42, 24, 16 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आम का जो गुणसूत्र होता है कितना होता है? 42 होता है या 24 होता है या 16 होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो दोस्तों आपका सही विकल्प रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो 2N 40 होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर 50, उत्तर प्रदेश में आम कितने क्षेत्रफल में उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, यूपी में आम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में उगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प रहेगा 13.3%, 18.6%, 20.2% या 22.2%। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है 22.2%। ठीक है दोस्तों, आपका सही विकल्प है 22.2%। तो 22.2% क्षेत्रफल में आम उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और भी इसका पार्ट आता रहेगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों। Oh, 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 oh